आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में दर ज्ञात करना। देखें पहला एग्जाम्पल, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये का दो वर्ष में मिश्रधन 441 रुपये हो जाएगा। मूलधन दे रखा है 400 रुपया, मिश्रधन 441 रुपया, समय दो वर्ष, माना दर आर बराबर एक्स वर्ष है, यानी दर की जगह हम एक्स लिखेंगे। अब देखते हैं, लगाते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र। चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर पी ब्रेकेट में एक प्लस दर आर बटे 100 की घात समय। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है 441, मूलधन है 400, एक प्लस दर एक्स मान ली बटे 100 की घात समय है हमारा दो वर्ष, दो आ गया। अब देखें इस पोर्शन को इधर रहने देंगे, 400 जब इधर जाएगा तो 441 के नीचे आ जाएगा, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 400 एक प्लस एक्स बटे 100 की घात दो बराबर 441, पूरा हमने घुमा दिया ऐसे, यानी राइट हैंड साइड को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले गए। अब देखें सही से समझ में आएगा, एक प्लस एक्स बटे 100 की घात 2 है और इधर 441, जे हमारा 400 इधर जाके इसके बटे में हो जाएगा 400। अब देखें एक प्लस एक्स बटे 100 की घात 2 बराबर 41 बटे 40, 441 बटे 400, 441 21 का वर्ग है और 420 का वर्ग है, नीचे लिख सकते हैं 21 बटे 20 का स्क्वायर। जब 21 का स्क्वायर खोलेंगे 441 आएगा, 20 का खोलेंगे तो 400 आएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर है देखें, तो दोनों पक्षों को यानी दोनों तरफ RHS और LHS दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या होगा, दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, तो एक प्लस एक्स बटे 100 बराबर 21 बटे 20। अब देखें इधर है एक्स बटे 100 बराबर 21 बटे 20, एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स बटे 100 बराबर, अब इसके नीचे एक मान के इन दोनों का एलसीएम आ गया 20, तो 20 इकन 20 एक बार गया तो 21 इकन 21 माइनस एक से इधर जब भाग देंगे 20 बार जाएंगे तो 20 इकन 20, यानी कि जे हमारा बचा एक्स बटे 100 बराबर 21 से 20 घटा 1 बटा 20। अब इसकी यहाँ पे त्रियक गुणा हो जाएगी, एक्स की 20 से होगी तो 20 एक्स बराबर हो जाएगा 100 इकन 100, तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 बटे 20, तो एक्स बराबर आ जाएगा 20 पंजे 100। तो इस तरीके से x का मान आ गया 5 निकल के, अतः दर बराबर हो गई हमारी 5% वार्षिक, यही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष में 1250 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो जाएगा। देखें क्या क्या जानकारी दे रखी है, समय दे रखा है दो वर्ष, मूलधन 1250 रुपया, चक्रवृद्धि मिश्रधन इसमें ब्याज दे रखा है, हम मिश्रधन निकाल लेंगे, इससे मिश्रधन बराबर होगा मूलधन पी प्लस ब्याज, मिश्रधन है 1250 प्लस ब्याज है 102 रुपया, तो हो गया 1352, यानी 1352 रुपया आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब सूत्र लगा देंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में एक प्लस दर आर बटे 100 की घात समय एन। अब वो चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है 1352 रुपया और मूलधन है 1250, एक प्लस दर हमने आर को आर ही रहने देंगे क्योंकि दर हमें निकालना है और समय है दो वर्ष की घात हो गई दो। अब वही जो पूरा पोर्शन इधर ले आएंगे उठा के, 1250 एक प्लस
आर बटे सौ की घात दो बराबर 1352, यानी जे घूम के इधर पहुंच गया। अब देखें एक प्लस आर बटे सौ की घात दो 1352 बटे 1250 इसके नीचे आ जाएगा, इसे दो से डिवाइड कर सकते हैं। नीचे ऊपर देखें दो छक 12 एक बचा, दो सत्ते 14 एक बचा, तो 12 होगा, दो छक बारह, दो दूनी चार, दो पंजे छः, यानी इधर आ गया 676 बटे 625। देखें एक प्लस आर बटे सौ की घात दो बराबर हो गया 676 बटे 625। तो एक प्लस आर बटे सौ की घात दो बराबर, अब 676 बटे 625, तो 676 जो है 26 का वर्ग है और 625 25 का है, यानी जे इनके वर्ग है, यानी 26 से की जगह लिख सकते हैं 26 बटे 25। अब वो दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ का स्क्वायर छोड़ने पे या दोनों तरफ का कहते हैं वर्गमूल लेने पर तो हमारे पास बचेगा एक प्लस आर बटे सौ बराबर 26 बटे 25। अब आर बटे सौ बराबर 26 बटे 25 एक उधर जाके जी माइनस का हो जाएगा। अब इसके नीचे एक मान के देखें इनको घटाएंगे तो 25 और एक का एलसीएम आ जाएगा 25, 25 इकन 25 एक बार गया तो हो गया 26 माइनस, अब एक से 25 बार जाएंगे तो 25 इकन 25, तो ये हमारे पास बचा आर बटे सौ बराबर 26 से 25 गया 1/25। अब इसकी वही त्रिक गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 25 आर बराबर 100 इकन 100, 25 आर बराबर 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा इससे देखें आर बराबर हो जाएगा 100/25, 25 से 100 को भाग करेंगे आ जाएगा 4। इस तरीके से हमारी दर निकल के आ गई 4% वार्षिक, यही फाइनली उत्तर होगा। एक सवाल और देखते हैं, अगला सवाल है ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा। तो देखें समय दे रखा है हमारा 2 वर्ष, मूलधन 1600 रुपया, मिश्रधन निकाल लेंगे तो मूलधन मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन है 1600 और ब्याज हमारा 164 रुपया है, तो मिश्रधन निकल के आ गया 1764 रुपया। आप सूत्र लगा देंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे सौ की घात समय एन। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारे पास है 1764 और मूलधन है 1600 ब्रैकेट में 1 प्लस दर आर बटे सौ घात है समय हमारा 2 वर्ष, 2 होगी। अब देखें 1600 इधर आके इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1764 बटे 1600 बराबर 1 प्लस आर बटे सौ की घात 2। यहाँ समझें ये वाला पोर्शन इसके मल्टीप्लाई यानी गुणा में है तो ये दूसरी साइड में जाकर नीचे भाग में हो जाएगा, यानी 1764 बटे 1600 हो गया। इसे चाहे तो सीधा करके भी लिखा जा सकता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे सौ की घात 2 बराबर 1764 बटे 1600। अब देखें इसे 4 से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 2 0 यानी 400 आ गए, ऊपर देखें 4 चौक 16 एक बचा तो फिर 4 चौक 16, अब 4 बचे 4 इकन 4, यानी कि ऊपर हो गया 441 नीचे हो गया 400। तो इस तरीके से हमारा आ गया 1 प्लस आर बटे सौ की घात 2 बराबर 441 बटे 400। अब देखें 1 प्लस आर बटे सौ की घात 2 441 है 21 का वर्ग, यानी इसे लिख सकते हैं 21/20, 420 का वर्ग है, 21/20 को खोलेंगे 441/20 मिल जाएगा, 441/400 मिल जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर है, जब दोनों तरफ की घातें समान होती हैं
तो उनका जो और वैल्यू बराबर है तो उनके बेस समान माने जाते हैं, या कह दें दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर। तो हमें मिलेगा एक प्लस आर बटे सौ इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर, दोनों तरफ का हट गया। अब देखें आर बटे सौ बराबर क्या हो जाएगा, पहले ही की तरह 21 बटे 20 है, एक जे वाला इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ एक मान के इसको घटाएंगे तो आर बटे सौ बराबर, यहाँ दोनों का एलसीएम आ गया 20, तो 20 इकन 20 नहीं 21 माइनस एक बीसम 20, तो 20 इकन 20, तो ये हो जाएगा आर बटे सौ बराबर ऊपर बचा एक बटे 20। अब इनकी त्रियक गुणा करेंगे इस टाइप से तो मिल जाएगा 20 आर बराबर सौ इकन सौ, यानी कि 20 आर बराबर 100, तो आर बराबर हो जाएगा 100 बटे 20, 20 इसके नीचे आ गया तो 20 पंजे 100, यानी आर बराबर 5, अतः दर बराबर हो गई 5% वार्षिक। यही हमारा आंसर होगा, दर निकल के आ गई 5% वार्षिक। दर ज्ञात करने का एक सवाल और देखते हैं, ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,625 रुपये का मिश्रधन 17,576 रुपये हो जाएगा। समय है 3 वर्ष, मूलधन P बराबर है 15,625, मिश्रधन है A बराबर 17,576, सूत लगाएंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P ब्रेकेट में 1 + 10/100 की पावर n, चक्रवृद्धि मिश्रधन है 17,576, मूलधन है 15,625, ब्रेकेट में 1 + r, r में निकालनी है, समय 3 वर्ष। अब देखें इसको इधर ले आएंगे, 15,625 1 + r/100 बराबर 17,576, तो हो जाएगा 1 + r/100 बराबर 17,576, और जिस 15,625 के नीचे पहुंच जाएगा 15,625। अब देखें 1 + r/100 और 17,576 26 का घन है, 26 का, यानी इसे हम लिख सकते हैं 26 बटे और 15,625 25 का घन है, यानी 26 बटे 25 की घात 3 लिख सकते हैं, यानी 26 की जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 17,576 मिल जाएगा, और 25 की 3 बार गुणा करेंगे तो 15,625 मिल जाएगा। अब देखें दोनों तरफ घातें समान हो गई, दोनों तरफ का कह दें घनमूल निकालने पर, या समान घातें हैं दोनों को छोड़ने पर, जो हमारे पास बचेगा 1 + r/100 बराबर, अब इधर 3 घात इसकी भी छोड़ दी, इसकी भी छोड़ दी, या दोनों तरफ का घनमूल ले लिया कह दें, तो बचेगा 26/25। अब r/100 बराबर 26/25, ये एक इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे एक मान के दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा r/100 बराबर 25 एलसीएम आ गया, 25 इकन 25, तो 26 इकन 26 माइनस 1 25 25 इकन, तो बचा r/100 बराबर 1/25। अब यहाँ पे वो त्रियक गुणा हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 25 r बराबर हो जाएगा 100, तो r बराबर हो जाएगा 100/25, जब 25 से 100 को भाग करेंगे आ जाएगा 4। इस प्रकार से हमारी दर निकल के आ गई, अर्थात दर बराबर 4% वार्षिक, यही आंसर होगा। इस तरीके से दर निकालने वाले सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं।